फाइनली भाई हम आ चुके हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे अपनी, क्योंकि पिछली वाली का सीन तो आप लोगों को पता है क्या हुआ था, ठीक है। और हमारे साथ हो गया है भंड, वो भंड क्या हुआ है इस वक्त सीन, बारिश भी बहुत तेज हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अब्दुल्ला खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ तो भाई सीन ये है कि हमारा घूमने जाने का प्लान है और हम निकल गए मनोड़ा बीच पिकनिक मनाने फैमिली के साथ। अच्छा भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए, और गाड़ी का वेट है, गाड़ी आ जाए तो फिर हम निकलते हैं। 2000 years later गाड़ी भी हमारी आ चुकी है और अब निकलने वाला सीन है, बारिश का मौसम है, मज़ा आने वाला है, लेट्स गो। अगर आप मनोड़ा बीच जा रहे हो तो दो बातों का खास ख्याल रखना, पहली टाइम का, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना, ठीक है, और दूसरी सेना इसे साथ रख लेना वरना एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी, समझ गए। वेलकम टू मनोड़ा बीच। भाई यहाँ पे रश चेक कर रहा आप, अब यहाँ पे हो गया एक सीन, इसके बारे में हम बात करेंगे टर्टल बीच जाके। जी हाँ अब हम जा रहे हैं टर्टल बीच, तो चलो वहाँ चल के बात करते हैं। तो फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और हमारे साथ हो गया है भंड, वो भंड क्या हुआ है ये हुआ है हमारे साथ। हाँ जी तो भंड क्या हुआ भाई, भंड ये हुआ कि हमें पहुंचना था टाइम पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम का खास ख्याल रखें। हमने कर दी ये गलती, बस ये गलती हमने पड़ी बहुत भारी, ठीक है। हम लोग पहुँचे वहाँ पे लेट, जिसकी वजह से हमें वहाँ हट नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो हम निकल जाते हैं सैंसप्रिट। हम लोग वहाँ गए लेकिन मज़े की बात यह कि वहाँ पर भी कोई हट नहीं था, है ना कमाल की बात। ऊपर से था दिन संडे का तो रश तो बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से सारे हट पहले से ही बुक थे और हम पहुँचे भी काफ़ी लेट थे, जिसकी वजह से हमें हट नहीं मिला। तो हम पहुंच गए टर्टल बीच 3 घंटे क्वारी काटने के बाद, फाइनली हमें वहां पे एक हट मिला, लेकिन वहां भी एक प्रॉब्लम थी। तो भाई प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि भाई वहां का जो सीन था ना वो ये था कि पानी जो है वो आपको उठा उठा के बाहर फेंक रहा था, ठीक है। वहाँ मतलब कि वहां का पानी नहाने जैसा था ही नहीं, कोई सीन नहीं था नहाने का, सिर्फ हमें हट मिल गया था। हम वहाँ खुश हो गए कि भैया हमें हट मिल गया, ठीक है। फिर वहाँ पे रुकने का भी अगेन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम गए हैं वो तो हमें मिल ही नहीं रहा, हम तो नहाने के लिए गए हैं, एंजॉय करने गए, लेकिन वहाँ तो अलग ही सीन था। तो फिर हम निकल गए वापस सैंसपिट की साइड पे कि शायद वहाँ कोई चाल बन जाए, हमें कोई हट मिल जाए, कुछ हो जाए, दोबारा ट्राई करने में क्या आता है। लेकिन वहाँ हट नहीं मिला, बट हाँ हम वहाँ पे इंजॉय कर सके क्योंकि वहाँ पे पानी नहाने जैसा था, ठीक है। यहाँ तक तो आ रहा था हमें गुस्सा कि भाई हम कैसे पिकनिक पे आए हैं जिसमें
इंजॉयमेंट कम है और सफ़र ज़्यादा है। लेकिन जब हम पहुँचे सैंड्स पे तो वहाँ का तो सीन ही कुछ और था। फाइनली भाई हम आ चुके हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे अपनी, क्योंकि पिछली वाली का सीन तो आप लोगों को पता है क्या हुआ था। ठीक है, वहाँ पे नहा नहीं सकते थे हम भाई। अब लग रहा था कि हाँ भाई हम पिकनिक पे आए हैं। फिर लगे चार चांद जब हुई वहां बारिश। भाई एंजॉयमेंट चल ही रहा था कि फिर आवाज आती है कि रास्ते बंद ना हो जाए, बारिश बहुत तेज हो रही है। फिर क्या था, चलो घर, पैक पैक निकलने की तैयारी। हाँ तो भाई अब है वापसी का वक्त और अब हम जा रहे हैं घर वापस और मौसम हो रहा है अब इस वक्त हसीन, बारिश भी बहुत तेज हो रही है। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। किसी शायर ने खूबी कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रह भी गई तो ये नौजवानी फिर कहाँ। तो ये थी कहानी मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी यादगार पिकनिक की जिसमें सफ़र ही सफ़र ज़्यादा था, एंजॉयमेंट कम था, ख्वारी ज़्यादा थी, मगर खैर मज़ा बहुत आया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।